जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक आम चेल स्वागत। दर्शक बंधु, आपण भागवत अभ्यास करतु नुणतु देखिए आपणकर मनस्कामना निश्चित भाव पूर्ण होब। आहरी आपणकर मनरे जो लोभ मोह हिंसा घृणा आ राग सबकि निर्ण हो सबकि पोछी हो भागवत नीता कौन सी मंत्र जप पाठ कले आपणकर मन पवित्र होइथाय। आपणकर देह सुस्थ रही थाए। आपण को कौन भी संकेत अशुभ संकेत छुई पार ना। चलतु आज भागवत शुणा आठ शिखा। सखल तिथित चरणे भद्रिका जीविकी कारणे श्रद्धा जतन जोग करी सद्गुरु ठारु ज्ञान भरी ध्यान रे ब्रह्मा को चिन्हिब अद्भुत शक्ति सचार सदा सर्वदा हरिहरी सतोष भाव मन धरी गायब नाचब मर्जीब तेब जीवन धन्य हेब। यार अर्थ है सखल तीर्थ तो चरणे भद्रिका जीविकी कारणे सब बेले सका आम भावु कि आज मंदिर को जीवा जदि आम कौन वस्तु मंदिर को गले आम को किसीटा गुण में खराब लगे आज कहीं मंदिर गले कौन पर मंदिर गले तो भगवान मो कथा शुणिपारे मुझा भी मानसिक अच्छी ताण हेनी एक आपण भूली जातु कहीं भगवान सबु स्थिर अच्छा आपण जो बस ध्यान करेंगे से मंत्र जपिपर से किसी भी कथा पढ़ी शुणिपर देखिए भगवान निश्चित भाव आपण मन कथा जापर कारण भगवान आम हृदय अच्छा जदि आपण कौन भी मंत्र कौन भी गीता भागवत पाठ करुं आपण मन को निर्मल कर शुणतु कहीं मन जदि निर्मल स्थिर थाए आम को से सब शिखा को जिनस मिली थाए। श्रद्धा जतन जोग करी सद्गुरु ठार ज्ञान भरी आपण श्रद्धार जदि जो भी वाक्य शुणब आपण निश्चित भाव ज्ञान अर्जन करें शिखिपार आपण को अनुभूति निश्चित भाव हम जदि आपण श्रद्धार श्रीकृष्ण को हूँ ना कौन भी भगवान हो जदि मनर श्रद्धार भक्ति जदि प्रार्थना करती कौन भी मानसिक रखती आपणकर निश्चित भाव पूर्ण हेब। जदि मनर श्रद्धार भक्ति आपण प्रार्थना करेंगे तेल ब्रह्मा को निश्चित भाव शुणे आहरी अद्भुत शक्ति सचार निश्चित भारत गोटे अद्भुत शक्ति आपण को मिलजि कि अनुभूति कर सदा सर्वदा हरिहरी सब बेले भगवान नाम आपण तुंडे रख सतोष भाव मन धरी मन को सदा बेले सतोष भावना शांति रख गायब नाचब मर्जीब तेब जीवन धन्य हेब। अमृत वचन कह पर आपणा कर दर्शक बंधु यही दुनिया रे केही भी क्या पचारती खास करी निज लोक मैंने निज लोक के ही घृणा देखती आउ कष्ट दिखती से मैंने केबे भी भगवान भक्त हो पारती कहीं से मैंने मनीष मान कष्ट दिखती आउ घृणा देखती से आम मैंने केबे भी एमती भूल करवानी आम समस्त को भल पाइबा समस्त को सामान भाव देखा से मनीष हो कि पशु हो किंबा निज लोक कि पर लोक हूँ कर्म कर कष्ट सही कर्म भल मंद ना सत्य कर्म धर्म अच्छी धर्म करीब कर्म अच्छी केते भी कष्ट था से काम आमे करीबा दुखी लोक को देखी साहय करवा जो मैंने भोग अच्छी भोजन देवा आउ खुशी देवा चेष्टा करवा निजे न खाई अन्य को खुआवा आ समस्त को भल पाइबा मिथ्या न कह वचन सत्य काट जीवन दश बंधु केबे भी मिथ्या कहबा ना अन्य को कष्ट देवा ना मिछ गोटे एमती जहाँ कि अन्य को खुशी दिए जितेबले सी सतट जानवेटा दुख लगे से भाभी ही पारे मिछ कहले अधिक बढ़ी थाए सत कहले से थाए मिछ कहतु ना सब बेले सत्य कहतु मिथ्या सब बेले बढ़ी थाए आ सत्य स्थिर थाए जे नर पशुपक्षी मान प्राणे बंध करे जे जन तप तैल रंधन हुए शरीर दर्शक बंधु ए दुनिया रे अधिकांश लोक अच्छा पशुपक्षी मारी तांकु खाती भोजन हिसाब से स्वीकार करती से मैंने एक भावती आम प्राणी बचा जमी दरकार से मैंने भी गोटे प्राणी से मैंने बचा निहाती दरकार से मैंने पशु बोल आम कौन से मारिक खाईद यह कौन उचित कि सी पशुपक्षी मार्च भगवान ताकू सही टाइप रे ही दंड दौंती तो दश बंधु आपण मैंने केबे भी पशुपक्षी मारती कहीं आम जमी जीवन अच्छी से जीवन अच्छी आम से खाइबा उचित नुह मिथ्या वचन कहवा उचित नुह जदि भगवान को आम निज हृदय डाक भगवान आमर निश्चित भाव में मनस्कामना पूर्ण करेंगे आसी आम कथा निश्चय शुणे जदि आपण को ये भागवत बाणी किसी अध्याय आपण मानक भल लगला लाइक करदे
जय जगन्नाथ।